मेरे प्यारे थर्ड ईयर वाले बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल KCL ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फॉर्म थर्ड ईयर यानी सिक्स सेमेस्टर का एक बहुत ही आसान और थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन लेंदी सब्जेक्ट है, वो है क्वालिटी कंट्रोल। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, सर आप थर्ड ईयर का नहीं पढ़ाते हैं ऐसा वैसा, क्योंकि समय नहीं मिलता था। तो बहुत आपके रिक्वेस्ट के बाद कोशिश करके मैं इसको थियोरेटिकल पोर्शन ले आ रहा हूँ, क्योंकि मैं बोर्ड पर ही पढ़ाई पढ़ा पाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा कि आपको बुक्स है जो उसी के बुक को कुछ पॉइंट्स को ब्रीफ करूँगा, उसको आप समझ लीजिएगा और अपने हिसाब से नोट्स या बनाइए ना बनाइए, क्योंकि ज़रूरत नहीं है नोट्स बनाने की, आप वीडियो देख लीजिए। थ्योरी बस आपके मन में याद रहना चाहिए और थ्योरी ही एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है। और कुछ भी इसके नोट्स बनाने की कोई खास ज़रूरत आपको है नहीं। तो आज हम लोग यूनिट वन स्टार्ट करेंगे और यूनिट वन का पहला वीडियो लेकर आ रहे हैं पार्ट वन। इसमें हम लोग क्वालिटी कंट्रोल, GMP, क्वालिटी एश्योरेंस, इन सब के बारे में, प्रोसेस के बारे में, इसके टूल्स के बारे में पता करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप जान रहे हैं, फिर मैं आपको फिर से एक बार आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल KCL ट्यूटोरियल में। बी फॉर्म सिक्स सेमेस्टर का यूनिट वन पढ़ रहे हैं हम लोग, क्वालिटी एश्योरेंस का उसका पार्ट वन आपके सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा चैप्टर है क्वालिटी एश्योरेंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्वालिटी क्या होता है। तो क्वालिटी देखिए क्या है, किसी भी फ्रेंड एक सब्जेक्ट है, जैसे किसी भी पदार्थ का हम जो उसके एक्सीलेंसी या उसकी जो सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी को हम जिससे डिफाइन कर सकते हैं, ये उसकी क्वालिटी है। उसको हिंदी में गुणवत्ता कहते हैं। गुणवत्ता नाम से ही लग रहा है कि गुण को बताने वाला फैक्टर, वत्ता मतलब होता है फैक्टर, कौन कौन से कारक है जो गुण को डिफाइन कर रहा है। तो इससे मैं आपसे कहूँ कि किसी भी, मैं आपसे कहूँ कि समोसे क्वालिटी क्या है। अब ये थोड़ी ना कहेंगे कि मीठा है या ठंडा है, भाई उसकी जो क्वालिटी जो होनी चाहिए, जैसे कि वो गर्म है, उसमें आलू बहुत टेस्टी भरा है, वो मतलब कि कुरकुरा है और वो बदबू नहीं कर रहा है, ये सब उसकी क्वालिटी। तो इसी तरह से किसी भी ड्रग का जब हम बनाते हैं तो उस ड्रग के बारे में हम उसकी जो मैक्सिमम जो एक्सीलेंस पॉइंट को डिसाइड करते हैं, वो उसकी क्वालिटी कहलाती है। प्रोफेसर एक JM जुरॉन थे 1970 में, जिनको फादर ऑफ क्वालिटी रिसर्च कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले डिफाइन किया था क्वालिटी। उन्होंने कहा कि द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट एज पर द कमिटमेंट्स मेड बाय द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, दिस इज़ कॉल्ड क्वालिटी। यानी कि किसी भी कंज्यूमर के लिए जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो वो चाहता है, उसको बनाकर किसी प्रोड्यूसर के द्वारा देना, वो सभी गुण होना जो कंज्यूमर चाहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटी। जैसे एग्जांपल तौर पे ग्राहक जितना बेहतरीन समोसा खाना चाहता है और बनाने वाला हलवाई उतना ही बेहतरीन बनाकर अगर दे दे, दिस इज़ कॉल्ड क्वालिटी। यानी जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, अगर उसको पूरी की जा रही है तो वो क्वालिटी है, ठीक है। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस पढ़ेंगे। अभी मैं बताऊँ क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है। क्वालिटी एश्योरेंस के अंतर्गत GMP आता है, यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, और GMP के अंतर्गत हम लोग क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल की, फिर GMP में जाएंगे, फिर एश्योरेंस में जाएंगे और फिर मैनेजमेंट में जाएंगे। तो क्वालिटी कंट्रोल क्या है, कंट्रोल का मतलब होता है कि नियंत्रण, आप समझिए फ्रेंड, नियंत्रण, और क्वालिटी मतलब गुणवत्ता। इसको इस तरह समझिए कि जैसे मैं एग्जांपल समोसे का देता हूँ, को मेरा फेवरेट चीज़ है, तो जब हम समोसा बना रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि समोसा कितने स्टेप से बनता है। जैसे सबसे पहले आलू का ख़रीदना, मैदे का ख़रीदना, फिर आलू को उबालना, मैदे को सानना, आलू को भुनना नमक मिर्चा मसाला डाल के, फिर उस भुने हुए आलू को मैदे के अंदर भरना, उसको रैप करना, फिर छानना, ये इतने प्रोसेस है। अगर हमारी क्वालिटी कहीं पर भी आलू समोसे की गड़बड़ होगी तो वो इन्हीं स्टेप में होगी, इसके अलावा बाहर के स्टेप में गड़बड़ कभी क्वालिटी इसकी हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं फ्रेंड हम लोग कि उसी तरह से, भाई मान लीजिए पहला स्टेप आलू ख़रीदना, आपने आलू सड़ी खरीद ली, अब बहुत अच्छा प्रोसेस करिए आलू समोसा अच्छा बनेगा नहीं, या आपने मैदा सड़ा वाला ख़रीद लिया, बदबू वाला ख़रीद लिया, उसी तरह से हर स्टेप पे किसी भी दवा के बनने में, मेडिसिन के बनने में, किसी प्रोडक्ट के बनने में, हर इच एंड एवरी स्टेप पे जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो सबसे बेस्ट काम हम कर सकते हैं, उस क्वालिटी को बेहतरीन रखने के लिए, वही हमारा क्वालिटी कंट्रोल है। तो क्वालिटी कंट्रोल में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस टू मेंटेन रिक्वायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, इट इज़ द सिस्टमेटिक कंट्रोल एंड वेरियस फैक्टर दैट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, कि किसी भी क्वालिटी प्रोडक्ट के सबसे बेहतरीन गुणवत्ता और उसके नेचर को, यानी उसको बनाने की जो प्रक्रिया है, वही क्वालिटी कंट्रोल है, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड और बेटी, उन्होंने डिफाइन किया था कि क्वालिटी कंट्रोल जो होता है, इट इज़ अ मैकेनिज्म बाय विच प्रोडक्ट्स आर मेड टू मेजर अप द स्पेसिफिकेशन डिमांडेड फ्रॉम द कस्टमर्स डिमांड, ठीक है ना, किसी भी कस्टमर के द्वारा जो सबसे अधिक हमको गुणवत्ता की चीज़ चाहिए, उसी को प्रदान कराना, उसके लिए जो भी काम करना होता है, उसे कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है फ्रेंड। तो
तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब हम बात करेंगे टूल्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल या मेथड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। इसको टूल्स का मतलब क्या होता है? टूल्स का मतलब होता है कि जैसे आप किसी चीज़ को बनाते हैं तो बनाने के लिए आप जो जो उपकरण यूज़ करते हैं उसका टूल्स है। जैसे कि आप अगर टैबलेट बनाते हैं तो टैबलेट बनाने में टैबलेट कोटिंग मशीन, पंचिंग मशीन और ग्रेनुलेसर मशीन, तो ये सब क्या है? उसके टूल्स हैं। उसी तरह से आसान भाषा समझिए कि अगर आप सब्जी बनाते हैं तो चक्कू, कढ़ाई, कलछुल, ये सब उसके टूल्स हैं। उसी तरह से जब हम किसी भी सिस्टम में किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी के कंट्रोल को मीज़र करते हैं कि प्रॉपर कंट्रोल है कि नहीं है, उस केस में उसके टूल्स क्या है? टूल्स मतलब वे सारे मेथड या वे सारे तरीके जिसके द्वारा हम क्वालिटी को पता कर सकते हैं। ठीक है, ये कुल 8 टूल हैं, तो इसको वो चलो बारी बारी डिस्कस करते हैं। हमारा पहला टूल है पैरेटो चार्ट। देखिए फ्रेंड, ये पैरेटो चार्ट क्या है? पैरेटो चार्ट क्या है? ये एक तरह का बार चार्ट है। आप बार चार्ट समझते हैं? बार चार्ट में क्या होता है कि एक चार्ट बनता है, उसमें हम किसी भी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करते हैं। जैसे कैसे देखते हैं, जैसे कि ये हमारा एक चार्ट है, ठीक है, ये हमारा एक चार्ट बन रहा है फ्रेंड। ठीक है, तो इस चार्ट में क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि ये हमारा एक कोई माना कि ये हमारा रॉ मटेरियल ख़रीदने का स्टेप है, दूसरा स्टेप हमारा है स्टोरेज का, तीसरा स्टेप है मैन्युफैक्चरिंग का, चौथा स्टेप है कोटिंग का, पांचवा स्टेप है पैकिंग का। तो इस तरह से हम सारे स्टेप में उसकी क्वालिटी को चेक करते हुए देखते हैं और ग्राफ बनाते हैं, और जहाँ पे हमको ग्राफ की वैल्यू कम दिख रही है, जैसे यहाँ और यहाँ, तो हम पता कर लेंगे कि ये ग्राफ किसका है। और हमने माना कि ये ग्राफ था स्टोरेज का और ये ग्राफ था पैकिंग का, तो हमको मालूम चल जाएगा कि हमारी जो क्वालिटी ख़राब हो रही है वो स्टोरेज वाले प्रोसेस में ख़राब हो रही है और पैकिंग वाले में। बस इन्हीं दोनों को अगर हम सुधार लें तो हमारी क्वालिटी क्या हो जाएगी? बेस्ट हो जाएगी। समझ में आ गया? तो ये होता है हमारा सिंपल सा एक तरीका। आगे बात करते हैं, दूसरा है फिश बोन डायग्राम। फिश बोन डायग्राम क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो कॉज इफेक्ट डायग्राम टू डिटरमाइन द विच प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद मटेरियल, मशीन, प्रोसेस और मैन पावर। देखिए, इनको पता है ये डायग्राम क्या बताता है कि जो फिश बोन डायग्राम है इसका एक मेथड, ये चार चीज़ों पे काम करता है। ये काम करता है मटेरियल पे, मशीन पे, प्रोसेस पे और मैन पावर पे। उनका मानना है, इस चार्ट का मानना है कि किसी भी प्रोसेस को बनने में चार लोग बहुत ज़रूरी हैं। पहला तो जिस मटेरियल जो उसका रॉ मटेरियल कोई दवा बनाने के लिए, दूसरा मशीन जिसमें वो बनाया जाएगा, तीसरा प्रोसेस जिस तरीके से बनाया जाएगा, और चौथा वो वर्कर, वो केमिस्ट, मैन पावर जो इसको बना रहे हैं। उन्होंने माना कि ये चार जगह पर अगर कोई गलती होती है तो क्वालिटी कंट्रोल जो होता है वो ख़राब हो जाता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो होती है ख़राब होती है। अगर इन्हीं चारों को हम कंट्रोल कर ले तो प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम कई गुना बेहतर कर सकते हैं। तो ये जो फिशबोन डायग्राम है या स्वीका डायग्राम, ये इसी पे फोकस करता है। ठीक है, अगला हमारा है चेकलिस्ट। देखिए, चेकशीट क्या होता है फ्रेंड? चेकशीट का आप इस तरह समझिए, इसको टू डू लिस्ट होता है ना, टू डू लिस्ट। इसमें क्या होता है, जैसे आपने एक कोई प्रोसेस किया, आपको पता है कि हमको समोसा बनाने में हमको इतने प्रोसेस करने हैं कि एक वर्कर आएगा आलू को उबालेगा, दूसरा आएगा आलू को छीलेगा, तीसरा आएगा आलू को भुनेगा, चौथा आएगा उसमें नमक मसाला डालेगा, पाँचवा आएगा उसको क्या करेगा, मैदे में भरेगा। तो आपने क्या किया, सारे स्टेप के लिए आगे एक बॉक्स बना दिया, और जो वर्कर जो भी काम कर रहा है वो उस बॉक्स पे टिक लगा रहा है। जैसे पहला वाला आया आलू उबालने, उसने आलू उबाला और बॉक्स पे टिक लगा दिया। दूसरा आया नमक मिर्चा डालने, आलू छीलने, वो आया आलू छीला, बॉक्स पे टिक लगा दिया। ऐसे करते हर व्यक्ति जो है वो टू डू लिस्ट में, चेक लिस्ट में, हर काम करने के बाद चेक लिस्ट में निशान लगाता है और अपना साइन करता है। तो जब किसी प्रोसेस में बहुत ज़्यादा स्टेप होते हैं, 15-20-50 स्टेप, और सबको अलग अलग मैन के द्वारा करना है, तो चांसेस ये होते हैं कि कोई स्टेप बीच में कोई भूल सकता है, और एक भी स्टेप अगर आप भूल गए तो हो सकता है प्रोडक्ट की क्वालिटी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो चेकलिस्ट में क्या होता है कि हमको हर जब चेक लिस्ट में टिक लगाना होता है तो आदमी को याद रहता है, और लास्ट में हम ये पता कर सकते हैं कि जिसमें टिक नहीं लगा है, मतलब ये वाला स्टेप हमारा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, और जब ये स्टेप हमारा पूरा नहीं हुआ है, इन दैट केस में क्या हो सकता है कि हमारा प्रोडक्ट वहीं से क्वालिटी उसकी ख़राब हो रही है। अगला है कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट की बात करें तो ये चार्ट जो होता है वो हेल्प्स यू फाइंड द करेक्ट प्रॉब्लम, व्हाट द हैपन, प्रेडिक्ट एंड रेंज ऑफ आउटकम्स एनालाइज। कंट्रोल चार्ट में क्या होता है कि हम एक चार्ट बनाते हैं, और इस चार्ट में हम ये पता कर पाते हैं कि किस प्रोसेस में यानी किस स्टेप में हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी डाउन हो रही है, उसके बेसिस पर हम ये काम कर सकते थे। कैसे? कि हमारा ये इस तरह से कोई चार्ट है और पूरे प्रोसेस में ये ग्राफ ऐसे 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 जा रहा है, तो हमको दिख रहा है कि जहाँ पे ग्राफ के में आपके यह हो रहा है डाउन हो रहा है, इसका मतलब उसी जगह पे क्या हो रहा है, प्रोसेस में कोई दिक्कत आई है। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया हमारा।
अगला है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या है कि इट सिंप्लीफाई प्रोसेस बाय सेपरेटिंग डेटा सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि जितने भी डेटाज होते हैं, जितने भी स्टेप्स होते हैं, जैसे कि आप होता है, आप देखिए क्वालिटी की बात करें, से मैंने कहा कि आपने प्रोडक्ट आपने बनाया, आपने रॉ मटेरियल लिया, पहला स्टेप टैब बनाने में टैबलेट में, तो रॉ मटेरियल आपने लिया जो, तो वो हमारा 100% है। फिर उसके आपने क्या की, आपने ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन के बाद कितना बचा, 99% बचा, मान लो 1% वेस्ट हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, उसको भेज दिया कंप्रेशन के लिए, कंप्रेशन के बाद कितना आया, 93% आया, मान लो 6% वेस्ट हो गया। फिर आपने भेज दिया उसको पैकिंग के लिए, कोटिंग के लिए, वहाँ पे यील्ड कितनी आई, 91% आई। तो ऐसे लगातार घटते घटते प्रोडक्ट का लास्ट होने होते, कुछ क्वालिटी जो होती घट, क्वांटिटी जो होती घट जाती। तो ये सारे स्टेप में किस स्टेप में सबसे ज़्यादा लॉस हुआ, जैसे कि मैंने कहा कि ग्रेनुलेशन के बाद जब कंप्रेशन में गया तो 99 से 92 हो गया, यानी 7% का लॉस हुआ। हम समझ सकते हैं कि इसी प्रोसेस में गड़बड़ी है, और इस तरह से किसी भी स्टेप को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस स्टेप से हमारे क्वालिटी में कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है फ्रेंड, हिस्टोडायग्राम क्या होता है, ये भी एक तरह से ग्राफिकल मेथड है। इसमें ग्राफ में हम हिस्टोग्राम ग्राफ बनाते हैं, और जिस ग्राफ की वैल्यू कम होती है उस ग्राफ की पॉइंट से हम इसको पहचान सकते हैं। स्कैटर डायग्राम भी आप जानते हैं, इसमें क्या होता है, स्कैटर्स मतलब बुंदी, अलग अलग स्टेप्स के लिए अलग अलग से होते हैं ना, ग्राफ होता है, तो इसमें क्या होते हैं कि पॉइंट्स बनते हैं छोटे बड़े, इसको बोलते हैं स्कैटर्ड। अब फिर बाद में हम क्या करना है, इस पॉइंट से हमको इस पॉइंट को मिलाना होता है, इसको स्कैटर्ड, इसमें इसमें भी क्या होता है, सारे स्टेप को हम बिंदु के द्वारा या स्कैटर्ड के द्वारा इसको हम डायग्राम बनाते हैं। और फ्लो चार्ट तो आप जानते ही हैं कि सारे स्टेप्स को हमने पूरा सिंप्लीफाई एक फ्लो चार्ट बना लिया, स्टेप बाई, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और सारे स्टेप्स से हमने इसको कंट्रोल कर लिया, इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट मेथड। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि राइट द टूल्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल के कौन कौन से टूल्स होते हैं, ये 8 टूल्स होते हैं, मैंने 8ों टूल्स को आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर बात करेंगे व्हेन डज क्वालिटी कंट्रोल, यानी क्वालिटी कंट्रोल हम कब करते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि हर जब दवा बनाते हैं तो हर स्टेप से करने से पहले पुराने वाले जो हमको प्रोडक्ट मिला है उसकी क्वालिटी को चेक करना कि वो सही है कि नहीं। जैसे आप मैंने बताया एग्जांपल समोसा का, आलू खरीदने से पहले आलू चेक करो दबा करके, पिलपिला तो नहीं है। फिर आलू उबालने से पहले दबा के चेक करो आलू सही से उबला है कि नहीं उबला है। फिर उसको भूंजने के बाद चेक करो उसका टेस्ट कैसा, नमक ज़्यादा तो नहीं है, मिर्च कम तो नहीं है। फिर बना छानने के बाद टेस्ट करो कि सही से पका है कि नहीं। मतलब समझ में आ रहा है कि हर काम को करने से पहले जो हम चेक करते हैं वो क्या है, हमारा क्वालिटी कंट्रोल है। तो इस पर किसी कोई दवा बना रहे हैं तो पहला है रॉ मटेरियल API विल रिसीव। जैसे ही आपको रॉ मटेरियल मिल जाए, API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, आप तुरंत उसकी टेस्टिंग कराइए, उसकी क्वालिटी कंट्रोल कराइए, आप करिए, पहला स्टेप तो ये है। दूसरे स्टेप में क्या करना है कि जब प्रोडक्ट ग्रोइंग थ्रू द प्रोडक्शन प्रोसेस, जब वो प्रोडक्ट में प्रोडक्शन के अंदर में है, जैसे ग्रेनुलेशन, कंप्रेशन, कोटिंग, सारे दौरान आपको बीच बीच में क्या करना है, उसकी क्वालिटी चेक करना है। तीसरा, टेस्टिंग ऑफ पैकेजिंग कंपोनेंट। अब जब वो दवा पैक होने जा रहा है तो पैकिंग जो है, जो भी पैकिंग मटेरियल है उसको चेक करना कि मटेरियल सही है कि नहीं है, इसमें लीकेज तो नहीं है, प्रोडक्ट हमारा ख़राब तो नहीं हो जाएगा। और फिर लास्ट है व्हेन द प्रोडक्ट आर फिनिश्ड, जब हमारा प्रोडक्ट पूरी तरह से पैक हो जाए कि हम डिस्पैच होना है, मार्केट में जाना है, तो एक बार फिर तब चेक करते हैं कि क्या ये प्रॉपर पैक है कि नहीं पैक है, इसमें मॉइस्चर तो नहीं आ रहा है, बैच नंबर सही से लिखा है कि नहीं लिखा है, एक्सपायरी या मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी है कि नहीं लिखी है, ये चेक करना। इतने स्टेप में हम लोग क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, अब जो क्वालिटी कंट्रोल जो होता है वो एक तरह का किसका पार्ट है, GMP का। GMP का मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। GMP एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग शेड्यूल M आता है इसके अंदर में। इसमें क्या होता है कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए हर एक चीज़ को प्रॉपर होना चाहिए। जैसे हम लोग होता है ना कि घर में कोई सामान बना रहे हैं, चलो ये कम है ज़्यादा है करो हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कोई बिस्किट टॉफी नहीं है। दवा बनाना कोई बिस्किट टॉफी नहीं है, अलग फंडामेंटल है। इसलिए इसके केस में क्या होते हैं, एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के कुछ एक नियम और शर्तें होती है, उन शर्तों को पालन किया जाता है, और GMP जो है वो क्वालिटी कंट्रोल का एक पार्ट है। नॉट ओनली विद द प्रोडक्ट सेल्फ बट इट वे टू टू प्रोड्यूस, ये केवल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही, प्रोडक्ट कैसे बना रहे हैं, प्रोडक्ट कैसे हम स्टोर कर रहे हैं, और प्रोडक्ट कैसे हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यानी केवल दवा बनाने तक की बात नहीं है, दवा हम कैसे रख रहे हैं, दवा को कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कैसे उसको सेल कर रहे हैं, इन सबको भी कौन बताता है, GMP इसके अंतर्गत बताता है। ठीक है, अब क्या होता है कि किसी भी क्वालिटी प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल हम क्यों करते हैं, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ऑब्जेक्टिव क्या है क्वालिटी कंट्रोल का, कि हम क्यों करते हैं क्वालिटी कंट्रोल। तो पहला है रिड्यूस एरर एंड एस्टेब्लिश क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, पहला कि एरर्स को कम करना, इसके साथ साथ प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड क्वालिटी को बढ़ाना। दूसरा, एनालाइज एक्सटेंट ऑफ क्वालिटी डेविएशन इन प्रोसेस, कि किसी भी प्रोडक्ट में किस स्टेप में डेविएशन हो रहा है उसको पहचानना। ठीक है,
तीसरा इवेल्युएशन ऑफ मेथड्स एंड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मेथड ऑफ प्रोडक्शन के प्रोसेस को इवेल्युएट करना, या जिस तरीके से हम बना रहे हैं वो तरीका सही है कि नहीं सही है, कि कुछ उसमें परिवर्तन करना है। प्रमोट कॉस्ट रिडक्शन, हमें इस तरह से काम करना है कि इसमें लॉस कम से कम हो ताकि हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वो कम से कम आ जाए। प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी गुड, एक्सेलरेट सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, अच्छे प्रोडक्ट की क्वालिटी को बनाना, प्रोडक्शन करना और उसके उसको एक्सेलरेट करना। इंस्पायर मोर इफेक्टिव टीम वर्क, हमें ये हमारा पर्पज़ होना चाहिए कि जो काम हो रहा है वो टीम वर्क में हो, ऐसा नहीं कि हम अपना कर रहे हैं हमसे दूसरे का मतलब है। टीम वर्क में काम तेज़ होता है, जल्दी होता है और सही होता है। एंड प्रमोट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यू टू सुपीरियर एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्शन, और हमें हमेशा सबसे उच्च गुणवत्ता का सामान बनाना है और बेचना है, ये भी हमारा ध्येय मन में होना चाहिए। तो क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि ये कुल हमारे 7 प्रिंसिपल होते हैं या 7 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं किसी भी क्वालिटी कंट्रोल में, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे भाग हैं, क्षेत्र हैं जहाँ पर जिसके अंतर्गत क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। तो पहला है बैच इंस्पेक्शन एंड सैम्पलिंग, यानी जो बैच बन रहा है उसमें हम लोग इंस्पेक्शन करना, QC लैब्स क्वालिटी कंट्रोल लैब्स के अंतर्गत चेक करना, ठीक है, वो QC लैब्स हो गया। तीसरा है रिटेन्ड एंड रिटेन्ड सैम्पल्स, एनालिसिस ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, सैम्पलिंग, वैलिडेशन और रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये सब आपको करना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटी एश्योरेंस। देखिए क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, देखिए क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में क्या फ़र्क है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ समोसे से। जैसे समोसा आप बना रहे हैं तो सारे स्टेप में, आलू खरीदने से लेकर उसको समोसा छानने तक, तलने तक के बीच में, हर स्टेप पे जो आप चेक कर रहे हैं और ये आप सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो आप बना रहे हैं पदार्थ उसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट है, ये तो क्वालिटी कंट्रोल है। मतलब आप बीच बीच में उसको एकदम सही प्रोसेस से, सही तरीके से बना रहे हैं, ये क्वालिटी कंट्रोल है। तो वो है क्वालिटी कंट्रोल। लेकिन व्हाट इज़ द क्वालिटी एश्योरेंस, देखिए क्या है कि जैसे मैंने कहा कि हम खाना बना रहे हैं तो सब्जी बनाते समय हम हर प्रोसेस में, या समोसा बनाते समय हर प्रोसेस में जो होना चाहिए, जो करना चाहिए, हम वो काम कर रहे हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल है। लेकिन क्या वो हुआ है कि नहीं हुआ है, जैसे कि अब आप क्या कर रहे हैं, सब्जी बन रही है तो सब्जी को थोड़ा सा निकाला और उसको चख लिया कि हाँ भैया नमक कम है, मिर्चा कम है, ज़्यादा है, या फिर अभी कम पका है, पानी ज़्यादा है, ये सब क्वालिटी एश्योरेंस यानी क्वालिटी कंट्रोल करते समय उसके उसको चेक करना, उसके सारे क्वालिटी को चेक करना ही कहलाता है क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वालिटी एश्योरेंस इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस टू इंश्योर वेदर प्रोडक्ट और सर्विस विल फुलफिल देयर इंटेंडेड क्वालिटी एंड डिज़ायर रिक्वायरमेंट विल बी मेट, कि जो वो चाह रहे हैं वो क्वालिटी एक्चुअल में हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो ISO 2009 स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्होंने डिफाइन किया क्वालिटी एश्योरेंस को, अ पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस दैट क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स विल बी फुलफिल्ड, यानी क्वालिटी कंट्रोल करते समय हर उन पैमानों को चेक करना कि क्वालिटी कंट्रोल किया गया है कि नहीं, इसे कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। कुछ एग्जांपल हैं ये आपके सामने देख लीजिएगा। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो जो प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इज टू इंश्योर द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर द क्वालिटी रिक्वायर्ड फॉर द इंटेंडेड यूजेस, ठीक है। तो वही क्या है, ये इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, आपको मैंने पहले बता दिया था। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, लक्ष्य क्या हैं। पहला, सुपरवाइजिंग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, यानी GMP के जो प्रिंसिपल है उसको सुपरवाइज करना, उसको आप फॉलो करना। इंस्पेक्टिंग गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, यानी कि लैब के अंतर्गत जो जो काम किया जाता है उसको GLP, उसके अंदर उसको बोलते हैं GLP, उसको चेक करना। तीसरा, मॉनिटरिंग प्लांट इन्वायरमेंट, कि जो भी मशीन जो लगाया गया है उस मशीन के साथ क्या सब कुछ सही है, वो इक्विपमेंट पूरी तरह से काम कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको चेक करना। अगला है वेरीफाइंग क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल हम लाए हैं उसकी क्वालिटी को वेरीफाई करना, ये अगला ऑब्जेक्टिव है। चौथा, अगला ऑब्जेक्टिव है वेरीफाई द क्वालिटी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद, यानी कि समोसे में आलू और समोसा बनने के बाद, या हम कह सकते हैं कि दवा में रॉ मटेरियल आने के बाद और फिर दवा टैबलेट कैप्सूल बनने के बाद, उसको चेक करना। और अगला है एंश्योर ए सेफ्टी प्रोग्राम, और पूरे कार्यक्रम के दौरान कि आपको जो सेफ्टी मेजर्स थे उसको लिए गए कि नहीं लिए गए, यानी आपके वर्कर्स ने मास्क पहना था, वर्कर्स ने ग्लव्स लगाया था, वर्कर्स ने टेस्टिंग के समय क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी, वो सब कुछ क्या है सेफ्टी मेजर्स को पता करना, ये भी हमारे इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हमारा अगला है फंक्शन, कि क्वालिटी एश्योरेंस के फंक्शन क्या है, क्या इनका मेन कार्य है। तो पहला है मास्टर प्लान फॉर इंटायर प्रोसेस रिपेयर, पूरा प्रोसेस जो मैन्युफैक्चरिंग का हो रहा है उस पूरे प्लान के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करना, ये पहला स्टेप है। दूसरा, रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट के कैसे चेक करना है, क्या क्या चेक करना है, उसका स्टैंडर्ड डिसाइड करना, जैसे कि pH, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉल्युबिलिटी, टेस्ट, है ना, ऑर्डर, ये सब डिसाइड करना। अगला,
इट प्रोवाइड सर्विस टू ऑल रिलेवेंट टू प्रोडक्ट क्वालिटी। ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए जो रिलेवेंट सर्विस जो जो होनी चाहिए वो सब प्रोवाइड कराना। ठीक है, ये भी हमारा अगला इसका फंडा है। एंड मैनेजिंग द अप्रूवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स सही है इसके अप्रूवल के लिए उसको अप्रूवल कराना, मैनेजमेंट करना, ये भी इसका एक पार्ट है। ये इसका फंक्शन है क्वालिटी एश्योरेंस का। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वालिटी एश्योरेंस के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तीन लेवल होते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के। ठीक है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट तीन है। स्ट्रेटजिक लेवल पे, यानी कि हम जो बना रहे हैं स्ट्रेटजी। अगला है टैक्टिकल लेवल पे, जो हम काम कर रहे हैं उसके लेवल पे। और ऑपरेशनल लेवल पे, यानी कि कार्य के दौरान। तो स्ट्रेटजिक लेवल पे हमारा क्वालिटी पॉलिसीज देखनी जाती हैं, टैक्टिक लेवल पे ट्रेनिंग फैसिलिटी और ऑपरेशन करना ताकि काम अच्छा हो सके, और ऑपरेशनल लेवल पे एसओपी और वर्कशीट फॉलो कराना, यानी कि काम करते समय जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है एसओपी और जो वर्कशीट आपको दिया गया उसको फॉलो करना। ये तीन लेवल पे क्वालिटी कंट्रोल का इसका जो काम होता है। ठीक है, अब क्वालिटी एश्योरेंस के कौन कौन से मेथड होते हैं, कैसे हम काम करते हैं, तो ये सारे मेथड को देखिए कैसे है। पहला मेथड है फेलियर टेस्टिंग। फेलियर टेस्टिंग क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। जैसे कि कोई भी ड्रग है उसका सबसे एक्सट्रीम लेवल पे सब चीज़ों को चेक करना, यानी हाई टेम्परेचर पे, हाई वाइब्रेशन पे, यानी फिजिकल और केमिकल स्ट्रेंथ को चेक करना। यानी कि हमें कह सकते, मान लीजिए हम हाथ में समोसा लिए और समोसा को हम दबा रहे हैं, तो किस कितना ज़्यादा दबाने पर वो फूट जा रहा है। ठीक है, यानी समझ में आ रहा है, किसी भी टैबलेट को हम कितना ज़्यादा कंप्रेस करें कि वो टूट जा रहा है, किसी टैबलेट को कितना हम पीएच रखें कि वो डिजॉल्व हो जा रहा है। तो किसी भी ड्रग के सारे मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम पीएच, मैक्सिमम चीज़ों में रख करके हम चेक करते हैं कि कितना वो टैबलेट हमारा, कैप्सूल हमारा, उससे हमारा बियर कर पा रहा है उस चीज़ को। इसको इसका हिसाब से पैरामीटर बनाना, इसे कहते हैं फेलियर टेस्टिंग। अगला है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, इसको शॉर्ट फॉर्म में एसपीसी कहते हैं। तो एसपीसी स्टैटिकल टू मैनेज द कंट्रोल एंड प्रोडक्शन ऑफ दिस मेथडोलॉजी यूज स्टैटिस्टिकल मेथड अ मेथडोलॉजी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव डेटा एंड एनालिसिस डेवलप्ड बाय वॉल्टर एंड सेवर्ट इन वेस्टर्न बेल टेलीफोनिक लेबोरेटरी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम बेसिकली इस स्टैटिस्टिकल मेथड में यह होता है, जितने भी स्टैटिक्स मतलब होता है संख्या है, जितने भी हमारे पास डेटा होती है उस डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। जैसे पीएच है कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, डोजेस फॉर्म कितना होना चाहिए, इसके हिसाब से। टीक्यूएम क्या है कि होता है कि इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल फंक्शन एंड प्रोसेस टू अचीव कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। यानी जितने भी प्रकार के चीज़ें होती हैं, जीएलपी, जीएमपी, जीसीपी, सारे प्रकार के चीज़ों को एक करके हमें कुल मिला के जो गुड क्वालिटी बनानी है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है, आईएसओ सर्टिफिकेशन। क्या है कि कोई भी हमारा काम प्रोडक्ट कैसा बना है, उसकी कंपनी कैसी है, उसको सर्टिफाइड करना, ये सब सारा क्वालिटी कंट्रोल का एक डेटा होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करें अगर, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो थक गए फ्रेंड काफ़ी हम इस गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को, आप लोग उसे आप जानते हैं कि क्या होता है, जीएमपी कैसे होता है, क्या होता है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट है, ये आपको सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, और क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या डिफरेंस होता है ये भी लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से जीएमपी आप खुद से पढ़ लेंगे, क्योंकि जीएमपी आप जानते हैं, इस पर क्वेश्चन भी आता है कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या, वही जो सारा क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस को अपने फॉलो कराना, उसको मिलना, यही इसका है। जीएमपी का फुल ऑब्जेक्टिव क्या है कि सबसे पहले कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यह है कि क्या करना है कि सबसे बेहतरीन कन्फर्म प्रोडक्ट को बनाना, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑफ कंसिस्टेंट क्वालिटी, उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होनी चाहिए, टू मिनिमाइज कॉन्टामिनेशन, उसमें प्रदूषण या दूषित सामान कम से कम मिले, और एलिमिनेट इरर, यानी इरर उसमें सबसे कम से कम हो, ये सब चीज़ों को करना ही क्या है उसका ऑब्जेक्टिव। और कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं आपके सामने दिखा है, कुल 15 कंपोनेंट हैं, बारी बारी से। क्वालिटी मैनेजमेंट है, क्वालिटी एश्योरेंस है, जीएमपी है, सैनिटाइजेशन है, सैनिटेशन है, ठीक है, कंप्लेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिकॉल है। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट को आप लोग खुद से देख के नोट्स बना लीजिएगा, कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, या पढ़ लीजिएगा, और फिर क्या क्या क्वालिटी एश्योरेंस कैसे होता है, ये एग्जांपल क्वेश्चन है कि क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में क्या डिफरेंस होता है, इसको भी आप समझ लीजिए एक बार। ठीक है, कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है कि फिनिश प्रोडक्ट पे फोकस करना है क्वालिटी कैसी है, और क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है कि टू फोकस ऑन प्रोसेस टू प्रिवेंट डिफेक्ट। हमको ये हर प्रोसेस पे ये चीज़ फोकस करना है कि किसी भी तरह से डिफेक्ट उसमें ना आने पाए। क्यूसी जो है, कंट्रोल जो है प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, जबकि क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल एक तरह से करेक्टिव टूल है, और वो क्या है, एक तरह से देखा जाए तो हमारा मैनेजेरियल टूल है। ठीक है, इस तरह से इसके कुछ डिफरेंस है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो पार्ट वन में काफ़ी हो गया, मैं थक गया हूँ फ्रेंड, अब मैं बहुत नहीं बोल पाऊँगा। तो इसमें कुछ प्रिंसिपल क्या क्या होने चाहिए आपके सामने लिखा है, सब बहुत सब कुछ आपको पता है, एक एक लाइन आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, इसको आप देख लीजिएगा। हम इसके जल्दी बाद फिर पार्ट टू लेकर आएंगे, तो इसके आगे का पोर्शन जो भी टीक्यूएम है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, उसको हम पार्ट टू में लेकर आएंगे। स्टार्ट किया है तो ख़त्म भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि जितना हो सकता है आपके एग्जाम से पहले पहले मैं उसको करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।